अब भी कह रहा हूँ ये लेडीज को देखूंगा भुटलो का आजा भुटलो का आजा अगर ट्रेन में लगा हुआ अगर तुम्हारे दिमाग में ये है कि तुम लोग बोलते हो तो तुम्हें कोई सब कुछ घुटने दे घुटने दे अभी मैडम उठ गए तो बोली मांगूंगा लेडी से दे गाड़िया घुटने दे तू जाओ घुटने दे रात में कहा है तुम बता कहाँ है नहीं नहीं सुनो आज लाइन नहीं रही है तू मैं क्या ला झगड़ा झूठे बना रहा एक और दूसरा झूठे बना रहा एक और दूसरा झूठे बना रहा है ना झूठे बना रहा है ना झूठे बना नीचे भी बोले जन भाई उठ गया तो तीन चार घुटने जाओ भागो मैडम आप देखो ना दस मिनट एक क्लब के उत्ते अन्नेवाह गोलियां चलाईया गई ने दस दिए कि क्लब के जो मालिक है उसनों धमकाने की नीयत के नाल दसिया जा रहा है कि बदमाशों के वलों ये शरेआम फायरिंग की गई है तो घटना सीसीटीवी दे विच भी कैद हुई है दस दिए कि क्लब के बाहर ये ताबड़तोड़ गोलियां चलिया ने हथियार नाल लैस होकर यह बदमाश आए थे तो आते सार ही क्लब के बाहर जो बाउंसर बैठे थी पहला तो उन्होंने धमकाया गया उसनों साफ सुनिया जा सकता है कि जो बदमाश है वह कहते पे ने कि गोड्या के भार हो जा नहीं तो तेनों भी गोली मार दूंगा तो दस दिए कि यह घटना सीसीटीवी भी कैद हुई है तो क्लब के बाहर इन्ह बदमाशों के वलों शरेआम गोलियां चलाई गई ने दस दिए कि चार ये बदमाश से जिन्हों के दो अंदर जाते हैं तो एक बदमाश गोली लैके पिस्तौल लैके इन्हों बाउंसर के उत्ते टाण के खड़ा हो जाता है कि यह इन्हों काबू ना कर सकन जिस तो बाद दसिया जा रहा है कि जब वो दोवें बदमाश अंदर तो बाहर आते हैं तो बाहर आने तो बाद एक करके दर्जना ही राउंड फायर किए जाते हैं तो दसिया जा रहा है कि रंगदारी मंगण की नीयत के नाल यह फायरिंग की गई है तो खबर दिल्ली के सीमापुरी इलाके तो सामने आ रही है जिथे कि एक क्लब के बाहर देर रात फायरिंग की गई है अब भी कह रहा हूँ ये लेडीज को देखूंगा भुटलो का आजा भुटलो का आजा अगर ट्रेन में लगा हुआ अगर तुम्हारे दिमाग में यह है कि तुम लोग बोलते हो तो तुम्हें कोई सब कुछ घुटने दे घुटने दे अभी मैडम उठ गए तो बोली मांगूंगा लेडीज से दे बैठिया घुटने पे तू जाओ घुटने पे रात में कहा है तुम बता कहा है सुनो आज लड़ाई नहीं रही है तू मैं क्या झगड़ा घुटने में आ रहा एक और दूसरा घुटने में आ रहा एक और दूसरा घुटने में आ रहा है ना घुटने में आ रहा है ना घुटने में आ रहा है ना घुटने में नीचे भी बोले भाई उठ गया तो तीन चार घुटने जाओ भागो मैडम आप देखो ना दस मिनट अच्छा तीन आपके लिए
ਦੂਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੂਜਾ ਦੂਜਾ ਮੇਰੇ ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਲੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਨੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਲੱਬ ਦੇ ਜੋ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਘਟਨਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਲੱਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਤਾਬੜ ਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਆਏ ਸੀ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੋ ਬਾਊਂਸਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬਦਮਾਸ਼ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਹੋ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਊਂਗਾ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ 'ਚ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 4 ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ 1 ਬਦਮਾਸ਼ ਗੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਪਿਸਤੌਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਊਂਸਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦਰਜਨਾ ਹੀ ਰਾਊਂਡ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੰਗਦਾਰੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਖਬਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਮਾਪੁਰੀ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕਲੱਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।